हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर न्यू सेशन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओके तो मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस जो उसका फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया था कि टेंस क्या होते हैं और किन दो चीज़ को कंबाइन करके टेंस बनाया जाता है ठीक है दैट इज़ टाइम एंड एक्शन को कम्बाइन करेंगे तो टेंस फॉर्म होते हैं टाइम होता है थ्री टाइप का और जो एक्शन होते हैं फोर तो एक्शन में जो फोर्स था इनडेफिनेट उसको हम समझ चुके हैं नेक्स्ट हमने पढ़ा है कंटिन्यूस कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट एंड पास्ट हम पढ़ चुके हैं ओके okay? नाउ अब हमें देखना है थर्ड टाइप ऑफ कंटिन्यूस टेंस ओके दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओके तो इसमें भी हम सबसे पहले जो है वो क्या देखेंगे कि इसका मीन क्या होता है ओके वॉट टू वी मीन बाय फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस ओके देन फिर हमें देखेंगे कि वेयर टू वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ओके एंड देन फाइनली जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कि हम फ्यूचर कॉन्टीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर ऑल ऑफ द थ्री कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटर इंट्रोगेटिव तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव में जहाँ नॉट यूज़ होगा एंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप होते हैं ओके okay. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे होती है तो इसकी पहचान होती है लास्ट में होगा सेंटेंस के रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं ठीक है और ऐसे वर्ड्स आते हैं ओके नाउ लेट्स व्हाट डू वी मीन बाय फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है इट मींस जो भी एक्शन होगा कब होगा ठीक है आने वाले टाइम में होगा आने वाले समय में होगा या कल होगा जो जो कि है फ्यूचर की बात है कि यानी वो बाद में होगा ठीक है नेक्स्ट कंटिन्यू का मतलब क्या होता है इट मींस जो काम है वो फ्यूचर में लगातार होगा बिकॉज कंटिन्यूस का मींस क्या होता है जो चीज़ लगातार हो ओके तो इसका मीन क्या होता है ऐसा एक्शन जो ऐसा एक्शन या वर्क ठीक है जो होगा कब होगा फ्यूचर में दैट मीन्स भविष्य में और जो लगातार होगा दैट मीन्स कंटिन्यू होगा इसलिए क्या होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस तो आप यहाँ देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स वो क्या इंडिकेट करता है दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम ओके इट मीन्स ये एक ऐसा एक्शन है ठीक है जो हमें ये बताता है कि जो भी एक्शन है वो कब होगा फ्यूचर में होगा दैट मींस भविष्य में होगा और फिर कंटिन्यू ठीक है कंटिन्यू करेगा ये जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू करेगा ओके okay? कुछ टाइम के लिए करेगा इट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम ओके नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स सीमा विल बी रनिंग इन आ रेस इट मीन्स यहाँ एक रेस होने वाली है ओके okay? कब होने वाली है फ्यूचर में उसमें सीमा जो है दौड़ेगी ठीक है तो दौड़ने का काम होगा वो फ्यूचर में होगा और वो होगा क्या लगातार दैट मीन्स रनिंग इसलिए ये हो क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दैट मीन्स सीमा रेस में दौड़ेगी ठीक है सीमा विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट रीमा इन द रेस ठीक है और इसमें क्या है कि सीमा एंड रीमा एक दूसरे के अगेंस्ट जो है रेस में खड़े होंगे ठीक है तो इसमें हमने कंपीटिंग यूज़ किया कंपीटिंग मीन्स जब हमारा कॉम्पिटिशन होता है किसी से उसे हम क्या लिखेंगे आई एन जी फॉर्म में हम लिखेंगे कंपीटिंग तो सीमा एंड रीमा विल बी कंपीटिंग इसमें कंपीट करेंगे रेस में तो कंपीटिंग हम यूज़ करेंगे क्योंकि कंपटीशन थोड़े वक्त के लिए होगा दैट मींस थोड़े टाइम के लिए चलेगा एंड कॉन्टीन्यूस न्यू चलेगा इसलिए हमने क्या बोला कंपीटिंग आई विल बी वाचिंग द मैच इट मींस मैं मैच देखूंगी फ्यूचर में जो मैच होने वाला है वहां जाकर मैं मैच को देखूंगी ठीक है इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का एग्जाम्पल हुआ आई विल बी मीटिंग the मैनेजमेंट ठीक है तो इसमें क्या हुआ मैं मैनेजमेंट से मीटिंग करूँगी ठीक है और जो मीटिंग है वो फ्यूचर में होगी और कुछ टाइम पीरियड के तक ही चलेगी दैट मीन्स कुछ टाइम तक ही चलेगी तो ये क्या हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस ओके तो इसमें हम क्या देखेंगे तो जब भी एक्शन होगा ठीक है और वो कब होगा आने वाले टाइम में होगा कंटिन्यू चलेगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओके नाउ वेयर डू वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ओके कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर इट मीन्स जब कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा ठीक है विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर कि एक्शन कब होगा फ्यूचर में हो रहा होगा तो फर्स्ट देखो ही विल बी कमिंग टू विजिट अस इन नेक्स्ट वीक ठीक है वो जो है अगले हफ्ते हमसे मिलने आ रहा होगा ठीक है कि ये कब की बात करी हमने फ्यूचर की नेक्स्ट दे विल बी प्लेंग फुटबॉल इन दैट फील्ड इट इसमें क्या हुआ कि दे मीन सब कुछ भी बोल सकते हो इमेजिन बच्चे हैं या जो भी हैं वो उस फील्ड में खेल रहे होंगे ठीक है ये एक्शन कप की बात करिए विल बी गोइंग ऑन इन दी फ्यूचर नेक्स्ट टू एक्सप्रेस एन इंटरप्टड एक्शन इन द फ्यूचर इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक काम कर रहे हो उसके साथ या उसको दूसरे काम ने आपको आपको डिस्टर्ब किया ठीक है तो आप देखें इसमें क्या देख सकते हैं टू एक्सप्रेस एन इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूर फ्यूचर इट मीन्स अब जब हम बात कर रहे हैं ठीक है कि कोई एक्शन जहाँ पर दूसरे एक्शन ने आपको इंटरप्ट किया इट मीन्स दूसरे एक्शन ने आपको जो है ऑलरेडी एक्शन चल रहा था उसे रोका दैट मीन्स डिस्टर्ब किया कैसे आप एग्जाम्पल देखिए वेन यू कम टू दे विल बी प्लेइंग टेनिस ठीक है इट मीन्स कल जब तुम आओगे वे टेनिस खेल रही होगी ठीक है यहाँ खेल रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट एक्शन ने सेकेंड एक्शन को इंटरप्ट किया फर्स्ट एक्शन क्या था वैन यू कम टू मोरो सेकेंड एक्शन दे विल बी प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट सीमा विल बी स्टर्डिंग वैन यू रीच होम इट मीन्स जब तुम घर पहुंचोगे तो सीमा पढ़ाई कर रही होगी ठीक है नेक्स्ट देखो टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर इट मीन्स कल इस वक्त आप क्या कर रहे होगे ठीक है जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो तभी आप क्या यूज़ करते हो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ठीक है तो बोला स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर जैसे बोला एग्जाम्पल एट ट्वेल्व क्लॉक टमोरो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल इट मीन्स कल बारह बजे हम लंच कर रहे होंगे स्कूल में ठीक है ये एक स्पेसिफिक टाइम बताया कि बारह बजे लंच कर रहे होंगे नेक्स्ट अराउंड सिक्स वी विल भी वॉचिंग मूवी विद आ किड्स इट मीन्स छः बजे के करीब हम अपने बच्चों के साथ मूवी देख रहे होंगे इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम की बात करें अराउंड सिक्स नाउ द नेक्स्ट इज टू रेफर एन एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर इट मीन्स कि वो हैपनिंग नाउ तो हो रहा है बट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा कुछ टाइम के लिए ठीक है इट मीन्स जो एक्शन अभी चल रहा है दैट मीन्स ऑलरेडी जो फ्यूचर में भी थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू होने वाला है कि दैट मीन्स अभी तो चल रहा है और आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम के पीरियड के लिए वो चलेगा एग्जाम्पल देखिए आई विल बी स्टर्डिंग फॉर सम टाइम यू कैरी ऑन इट मीन्स इमेजिन करिए आपके फ्रेंड्स आ गए आपको खेल आ, गेम के लिए बुलाने के लिए चलो चलते हैं खेलते हैं तो आपने क्या बोला आई विल बी स्टर्डिंग फॉर सम टाइम मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ूंगा यू कैरियर तुम खेलो जाके ठीक है नेक्स्ट माय मदर विल बी प्रेइंग फॉर नेक्स्ट टू आर्स इट मीन्स मेरी ममा भी ऑलरेडी प्रे कर रही हैं और नेक्स्ट टू आर्स भी और प्रे चलने वाले हैं ठीक है कि वो अभी तो कर रही है आने वाले दो घंटे में भी करेगी यानी हैपनिंग नाउ तो हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम दैट मीन्स जो कंटिन्यू जो नेक्स्ट टू आर्स है उसमें भी प्रे कंटिन्यू चलेगी नेक्स्ट टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर इट मीन्स इफ आपको किसी से कोई क्वेश्चन करना है ठीक है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है और बहुत पोलाइटली करना है ठीक है तब हम कौन तब हम कैसे पूछते हैं विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू दार्टी टू नाइट इट मीन्स क्या तुम अपने दोस्त को लेके आओगे पार्टी में विल यू बी कुकिंग फॉर अस क्या तुम हमारे लिए खाना बनाओगी ठीक है नेक्स्ट देखो टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शन और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर इट मींस जब हम पैरेलल एक्शन की बात हैं पैरेलल इन द सेंस मीन्स दो काम हो दो तीन हो या उससे भी ज़्यादा काम एक साथ चल रहे हो एक्शन साथ में चल रहे हो दैट मीन्स पैरल एग्जांपल देखिए जब तुम आओगे ठीक है इमेजिन जब तुम आओगे एक एग्जांपल बता रही हूँ जब तुम आओगे आई विल बी कुकिंग मैं खाना बना रही होंगी शी विल बी डांसिंग वो डांस कर रही होगी ही विल बी स्टिंग वो पढ़ रहा होगा या माई सिस्टर विल बी स्लीपिंग तो इसमें से कुछ भी ये सब एक्शन क्या है एक साथ चल रहे हैं ठीक है तो आप देखिए ही विल बी वॉचिंग टी वी एंड शी विल बी कुकिंग डिनर कि वो क्या कर रहे होगी ही विल बी वॉचिंग टी वी वो टी वी देख रहा होगा और शी विल बी कुकिंग वो खाना बना रही होगी ठीक है नेक्स्ट वीक आई विल बी गोइंग टू वॉच अ प्ले कि अगले हफ्ते आई विल बी गोइंग टू वॉच अ प्ले वु क्या देखने क्या देखने जाऊँगी मैं प्ले की दो काम एक साथ हैं तो यहाँ मैंने क्या बताया कि जब एक एक्शन हो रहा है और बाकी एक्शन भी क्या है पैरेल में होंगे ठीक है कि एक तो चल रहा है उसके साथ दूसरा भी एक्शन कंटिन्यू में चलेगा ठीक है पैरेल दैट मीन्स साथ में चल रहा है ओके नाउ द नेक्स्ट इज रूल्स देखेंगे ठीक है रूल्स में हम मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था पास्ट में भी बताया था ना अगेन फ्यूचर में भी बता रही हूँ कि आईएनजी कब ऐड होता है ठीक है तो आईएनजी कब ऐड करेंगे वर्ब्स दैट एंड इन ई रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी किसी भी वर्ब के एंड में ई e आ रहा है तो ई e को आप हटा के क्या ऐड करो आई एन जी जैसे बोला लव लेफ्ट में लास्ट में क्या है ई e, ई e को रिमूव करके क्या लगा तो आई एन जी नेक्स्ट है गिव गिव में भी ई e को रिमूव करके क्या लगा तो आई एन जी अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखो वर्ब सेट एंड इन आई ई अगर कोई भी वर्ब यानी कोई भी वर्ड देखो लास्ट में आई ई आ रहा है तो आई ई -E को चेंज करके हम क्या लगा देंगे वाई कि आई ई -E को तो रिमूव करके हम वाई लगा दो तो. उसके साथ आई एन जी एड कर दो तो। जैसे बोला लाई तो आई ई -E को हटा के आप क्या लगा दो वाई नेक्स्ट ऐड कर दो तो आई एन जी ठीक है नेक्स्ट डाई डाई में भी आप आई ई को रिमूव करके वाई लगा के आई एन जी ठीक है नेक्स्ट देखो वर्ब सेट एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट एंड स्ट्रेस डबल द लास्ट लेटर एंड एड आई एन जी इट मीन्स कि कोई भी वर्ब है या कोई भी वर्ड है उसमें लास्ट में वर्ड देखो कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट आ रहा है तो जब ऐसा वर्ड आ रहा है और स्ट्रेस बी आ रहा है ठीक है लास्ट वाले वर्ड पर स्ट्रेस आ रहा है दबाव आ रहा है तो लास्ट वाले वर्ड को आप डबल करके आई एन जी एड कर दो ठीक है जैसे देखो बैग बैग में लास्ट क्या है बी ई जी बी क्या है कॉन्सनेंट ई है वॉवल एन जी अगेन कॉन्सनेंट ठीक है तो लास्ट में जी बैग तो ई को आप क्या कर दो डबल एन आई एन जी नेक्स्ट है बिगिन तो लास्ट में देखो जी आई एन जी कॉन्सोनेंट वी वॉबल एन एन अगेन कॉन्सोनेंट तो इस केस में आप क्या करेंगे बिगिन तो लास्ट में एन पे साउंड आ रहा है तो एन को आप डबल करके आई एन जी वैसे ही आप स्टॉप देखो लास्ट में है टी टी ओ पी कॉन्सनेंट वॉबल कॉन्सोनेंट तो टी आ, पी को आप क्या करके डबल करके आई एन जी स्टॉपिंग कट कॉन्सनेंट वॉविल कॉन्सनेंट तो लास्ट वाला जो वर्ड है टी टी को आप क्या कर दो डबल करके आई एन जी लास्ट में कभी भी आपको ऐसा वर्ड मिले कॉन्सनेंट वॉविल कॉन्सनेट एंड लास्ट वाले वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है तो आप उस केस में क्या करेंगे टी को डबल लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देंगे एन आई एन जी ओके नाउ द रूल नंबर फोर इज आपको लास्ट में वर्ड मिल रहा है कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट पर जो लास्ट वाला वर्ड है उस पर स्ट्रेस नहीं है तो उस केस में आप डबलिंग नहीं करेंगे आई एन जी एड कर देंगे जैसे देखो ओपन पी ई एन कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट तो इसमें क्या डबलिंग नहीं करेंगे क्यों क्योंकि स्ट्रेस नहीं है एंटर एंटर में भी क्या करेंगे लास्ट में देखो कॉन्सनेंट वो विल कॉन्सनेंट तो लास्ट वाले वर्ड को उसमें भी डबल नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेस नहीं है ओनली वी जस्ट एंड आई एन जी ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज अब हम क्या देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करेंगे एंड इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं क्वेश्चन पुट अप करते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट अब देखो आप सबसे पहले कि हम बनाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव से एंड इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं सब्जेक्ट फिर यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ वेल और शेल नेक्स्ट हम को नॉट यूज़ करना तो आप नॉट करिए नहीं यूज़ करना तो नहीं करिए अगेन ऑक्सिलरी वर्ब बी तो हम विल बी विल नॉट बी ऐसे यूज़ करेंगे उसके बाद आती हमारी मेन वर्ब जो भी वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है नेक्स्ट हमारा प्रेडिकेट है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो भी आपको यूज़ करना है ठीक है जैसे बोला आई विल बी वर्किंग एट टेन ए एम ठीक है मैं सुबह दस बजे काम कर रही होंगी तो इसमें आई सब्जेक्ट आ गया विल हमारी वर्ब हो गई बी भी हमारी वर्ब हो गई मेन वर्ब क्या है वर्क वर्क के साथ हमने आई एन जी एड करना है हमको अगेन ऑब्जेक्ट जो भी है दैट मीन्स प्रेडिकेट आप यूज करिए यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टमोरो ठीक है नेक्स्ट शी विल नॉट बी स्टेइंग इन लंडन की हमको विल ओ बी आ, बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे ठीक है शी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट हमको क्वेश्चन पूछना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं विल और शेल को पहले यूज़ करते हैं विल यू बी वॉचिंग टी वी और विल दे बी वेटिंग फॉर जॉन ठीक है तो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हमने एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लिया है पर डिटेल में हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट देन आता है विल और शेल वट जो भी आपका यूज़ करना है उसके बाद आता है बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट ठीक है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आपको वर्ब यूज़ करनी है दैट इज़ विल और शेल जो भी यूज़ करें ठीक है ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद यूज़ करेंगे बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके हम देन आई लगाएंगे देन ऑब्जेक्ट तो देखो आई विल बी रीडिंग अ लेटर इट मीन्स मैं लेटर पढ़ रही होंगी तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब बी हमारी वर्ब रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमने उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो बन गया रीडिंग अ लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है शी विल बी सिंगिंग इन द कंपटीशन इट मींस वो कंपटीशन में सॉन्ग गा गा रही होगी ठीक है यानी जब कंपटीशन स्टार्ट होगा वो सिंगिंग का काम दैट मीन्स गाने का काम लगातार करेगी इसलिए क्या करा सिंगिंग तो शी क्या हो गया सब्जेक्ट Will हमारी ऑक्सिलरी वर्ब सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन हमने आई एन जी एड कर दिया फिर इन द कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्ट नाउ द नेक्स्ट इज दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क ठीक है वो लोग टास्क में पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे होंगे ठीक है तो देखो दे हमारा सब्जेक्ट विल भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब पार्टिसिपेट वर्क की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हमने आई एन जी ऐड कर दिया देन इन द टास्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी इट मीन्स यू सब्जेक्ट विल ऑक्सलरी वर्क टेल वर्क की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी एड कर दिया और स्टोरी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तुम कहानी बता रहे हो गे ठीक है जब कहानी बताओगे फ्यूचर में बताओगे ठीक है तो हम क्या बोलेंगे यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी तो टेल हमारा क्या है वर्ब वर्ब के साथ आई एन जी एड करा क्योंकि हमको कंटिन्यू की बात करनी थी ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही रहता है सिर्फ विल और शेल के बाद क्या लगता है नॉट सब्जेक्ट विल और शेल देन नॉट उसके बाद बी देन अगेन वो आपकी फर्स्टफॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट उसमें था आई विल बी रीडिंग अ लेटर इसमें बोलेंगे आई विल नॉट बी रीडिंग अ लेटर ठीक है सिर्फ विल नॉट के बाद क्या लगा बी नेक्स्ट है ही विल बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन तो हम इसमें क्या बोलेंगे शी विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन सिर्फ विल और बी के बीच में क्या लगेगा नॉट दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क इसमें क्या करेंगे विल बी के बीच में क्या लगेगा नॉट दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क नेक्स्ट यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी इसमें हम क्या बोलेंगे यू विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी सिर्फ विल और बी के बीच में क्या लगेगा नॉट ओके नाउ हम इंट्रोगेटिव देखेंगे इसमें विल और शेल जो है वो स्टार्टिंग में आता है उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट ओके जो विल और शेल है वो कब लगता है फर्स्ट वही लगता है तो एग्जाम्पल देखिए उसमें था आई विल बी रीडिंग अ लेटर तो इसमें आ विल की जगह क्या लगेंगे विल आई बी रीडिंग अ लेटर ठीक है उसमें था पॉजिटिव में शी विल बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन तो हम इसमें शी विल को क्या बोलेंगे विल शी बी सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क तो इसमें हम क्या बोलेंगे दे विल को बोलेंगे विल दे बी पार्टिसिपेटिंग इन द टास्क ओके यू विल बी टेलिंग अ स्टोरी हम इसमें यू विल को क्या करेंगे विल यू बी टेलिंग अ स्टोरी ठीक है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि will के विल uh, पॉजिटिव में विल बी होता है नेगेटिव में विल नॉट बी होता है और इंट्रोगेटिव में क्या आता है पहले विल आता है देन सब्जेक्ट आता है देन बी आता है रिमेन एज इट इज़ कंटिन्यू की बात करें इसलिए आई एन जी लगाया हमने ठीक है नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रैक्शनस ठीक है कंट्रैक्शन में देखिए फर्स्ट है आई विल आई विल हम कैसे बोलते हैं आई अ डबल एल ठीक है यू विल यू विल में भी यू एज इट इज अ देन डबल एल ही विल को हम ऐसे लिखते हैं देन नेक्स्ट शी विल इट विल देन वी विल एंड दे विल तो हम कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं ठीक है जब भी, भी आपको आई विल लिखना हो तो आप यू लिखिए यू विल लिखना हो तो आप यू लिखिए ठीक है ये तो हो गए पॉजिटिव के ओके नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे इन नेगेटिव सेंटेंस वी मे कॉन्ट्रैक्ट विथ वोंट लाइक दिस तो हम ऐसे लिखेंगे आई विल नॉट आई वोंट तो इसमें विल नॉट को हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू ओ एन अपी वॉन्ट यू विल नॉट यू ही विल नॉट ही वॉन्ट शी विल नॉट शी वॉन्ट इट विल नॉट इट रिमेन एज इट इज डब्ल्यू ओ एन टी वॉन्ट वी विल नॉट तो हम इसको विल नॉट को वॉन्ट दे विल नॉट दे रिमेन एज इट इज विल नॉट को वॉन्ट तो ये हमारे किसके हो गए नेगेटिव में नगेटिव में हम विल नॉट विल नॉट यू नहीं यूज करके हम यू यूज कर सकते हैं ओके okay? नाउ अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के पर हम इसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे मैं आपको एक पॉजिटिव का दूंगी बाकी वाली वीडियोस की तरह आपको क्या करना है नेगेटिव ट्राई करना है देन इंट्रोगेटिव ट्राई करना है ठीक है तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव में क्या देखेंगे सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल देन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट नेगेटिव में भी क्या देखेंगे सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट देन बी विल नॉट बी यूज होगा आप विल नॉट बी को वॉन्ट बी कह सकते हैं आई एन जी देन ऑब्जेक्ट विल और शेल को ठीक है इंट्रोगेटिव में विल शेल सब्जेक्ट देन बी देन वो आपकी फर्स्ट फ्रॉम आई एन जी देन ऑब्जेक्ट ठीक है तो आप विल नॉट को वॉन्ट बी बोल सकते हैं ठीक है तो फोर्स्ट आप देखिए आई विल बी प्लेइंग टेनिस एट टेन ए एम टमोरो तो ये पॉजिटिव का हुआ हमको नेगेटिव का बनाना है तो क्या करेंगे विल और बी के बीच में क्या लगता है नॉट ठीक है तो बोलेंगे आई विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस एट टेन ए एम टमोरो तो विल और बी के बीच में क्या लग गया नॉट अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आई विल को बोल देंगे विल आई बी प्लेइंग टेनिस एट टेन ए एम टमोरो ठीक है तो इसमें क्या हो गया आई विल की जगह विल आई नेक्स्ट देखिए रॉबिन विल बी ज्वाइनिंग एट द मीटिंग तो आप ट्राई करिए इसका नेगेटिव बनाना नेगेटिव कैसे बनाएंगे विल और बी के बीच में क्या लगेगा नॉट रॉबिन विल नॉट बी अस एट द मीटिंग ठीक है अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे रॉबिन विल को बोल देंगे विल रॉबिन बी अस एट द मीटिंग ठीक है तो आप ये ध्यान रखिए रॉबिन विल को हम क्या बोलेंगे विल रॉबिन पैके रिमेन एज इट इज नेक्स्ट आप देखिए पॉजिटिव का आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क तो आई विल है ठीक है बी तो विल और बी के बीच में क्या लगेगा नॉट आई विल नॉट बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क अब देखिए आई विल है तो आई विल को हम कैसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव में विल आई बी हेल्पिंग हिम टू डू द ट तो उसमें क्या करेंगे आई विल गो अगेन विल आई नेक्स्ट देखिए आप वी विल बी गोइंग टू इन्जॉय द म्यूज़िकल ड्रामा ठीक है वी विल बी गोइंग टू इंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा तो इसमें विल और बी के बीच में क्या लगेगा नॉट वी विल नॉट बी गोइंग टू इन्जॉय द म्यूजिकल ड्रामा ठीक है अब क्वेश्चन बुटअप करना है तो हम क्या बोलेंगे वी विल को बोलेंगे विल वी बी गोइंग टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा ठीक है तो ध्यान रखिए वी विल को हम इंटरचेंज करेंगे विल बी आई विल बी कमिंग ठीक है आई विल बी कमिंग हम क्या बोलेंगे आई विल नॉट बी कमिंग ठीक है आई विल नॉट बी कमिंग अब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए Will I be coming? Okay. Next positive देखिए, I will be cooking when you arrive. to hum isko negative kya bolenge Will be ke साथ बीच में आप not lagaiye I will not be cooking when you arrive. ठीक है, will not को हम won't be कह सकते हैं. ठीक है. Next है, I will को बोलो, Will I be cooking when you arrive? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स ओके तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे यस, वी विल नॉट बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स इंट्रोगेटिव बनाएंगे वी विल को बोल देंगे विल वी बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स ठीक है नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सेटरडे तो हम इसको नेगेटिव कैसे बोलेंगे आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे विल बी के बीच में क्या लिखेगा नॉट आई विल नॉट बी प्लेइंग इंट्रोगेटिव क्या बोलेंगे विल आई बी प्लेंग क्रिकेट दिस सेटरडे ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस He will be preparing for his exam this year. तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे विल बी विल बी के बीच में क्या लगेगा नॉट ही विल नॉट बी preparing फॉर हिज एग्जाम्स दिस year. ठीक है देन इंट्रोगेटिव बनाइए आप विल ही बी preparing फॉर हिज एग्जाम दिस ईयर ठीक है ही विल को हम क्या बोल देंगे बस विल ही नेक्स्ट देखिए दे विल बी ईटिंग दे अमील्स वेन यू अराइव इसका आप नेगेटिव बनाइए दे विल को हम कैसे बोलेंगे दे विल के पास बस क्या लगाना है आपको नॉट दे विल नॉट बी ईटिंग दे मील्स वैन यू अराइव नेक्स्ट इसका दे विल को कैसे बोलेंगे नेक्स्ट विल दे बी ईटिंग दे मील्स वैन यू अराइव ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज he will be in america at this moment next year aap iska negative banaiye yes hum kya bolenge he will not be in america at this moment next year okay interrogative kaise banenge he will ko bolenge will he be in america at this moment next year तो इंट्रोगेटिव में बस क्या आता है कि जो हमारी auxiliary verb है will और shall उसको पहले लगाना है देन उसके बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट देन बी एंड रिमेन एज इट इज़ ठीक है आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस समझ आ गया होगा तो यहाँ पर हमारी जो टेंथ की सीरीज चल रही है उसमें जो कॉन्टीन्यूस वाला पार्ट है दैट मीन्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वो ओवर होता है ओके okay? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट ओके And if you like the video, then don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.